हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड ईवीएस। सो ओपन योर ईवीएस बुक, पेज नंबर इज 11, चैप्टर 2, वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम। ऑल द लिविंग थिंग्स आर बर्न, दे न्यूली बर्न चाइल्ड इज कॉल्ड आ बेबी। सारी जीवित चीज़ें या जिंदा चीज़ें क्या होती हैं, जन्म लेती हैं। ओके, जो न्यूली बर्न चाइल्ड होता है, न्यू बच्चा, जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेबी। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच द लिविंग बर्ड ब्रिंग्स गिव बर्थ टू अ यंग वन ऑफ इट्स ओवन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो प्रोसेस होती है लिविंग की, ठीक है, बर्थ की, जन्म देने की, जिंदा रहने की, ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पर दो प्रकार हैं रिप्रोडक्शन के। बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, बाय लेइंग एग। इस प्रोसेस में बच्चे को जन्म दिया जाता है और इस प्रोसेस में एग के द्वारा यहाँ पर जन्म दिया जाता है। ओके, बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन, देयर आर मैनी एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, टाइगर, मैन एक्सेट्रा। यहाँ देखिए बहुत से एनिमल हैं, जैसे कि डॉग है, काउ, टाइगर, मैन, ठीक है, ये सारे। हु गिव बर्थ टू देयर यंग वन, ये सभी क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। द यंग वन डेवलप इन साइड द बॉडी ऑफ द मदर। जो यंग वन, जो बच्चा होता है, वो माँ की बॉडी के अंदर तरफ क्या होता है, डेवलप होता है, बढ़ता है। एस एंड वैन दे आर फुल्ली ग्रो द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब ये माँ के पेट में क्या होता है, ग्रो कर जाता है, फुल ग्रो हो जाती है इसकी, तो मदर उस बच्चे को क्या करती है, जन्म दे देती है, बेबी के रूप में जन्म देती है। अ काउ गिव्स बर्थ टू अ कैल्फ, काउ ने बछड़े को जन्म दिया है यहाँ पर, ठीक है। अ मदर डॉग गिव्स बर्थ टू अ पपी, जो मदर डॉग है उसने पपी को यहाँ पर जन्म दिया है। Have you seen a calf? आपने क्या बछड़े को देखा है, आप यहाँ पर यस पर टिक करेंगे। ओके, डू यू नो द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वन आर कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें क्या बुलाया जाता है, मैमल्स बुलाया जाता है। ओके, अ कैट गिव्स बर्थ टू अ किटन, जो कैट है उसने किटन को यहाँ पर जन्म दिया, ठीक है। अ वूमेन गिव बर्थ टू अ बॉय आर अ गर्ल, जो वूमेन होती है वो यहाँ पर बॉय को या गर्ल को जन्म देती है। वेन द यंग वन ग्रो अप एंड बिकम एन अडल्ट, जब क्या होता है, यंग वन क्या होता है, ग्रो कर जाता है और वो अडल्ट बन जाता है, अडल्ट मीन्स जवान हो जाता है, जब वो, दे ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वन, तो वो अपने बच्चों को जन्म देता है। ओके, हेंच द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन गोस ऑन एंड ऑन फॉर लिव्स। ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो ऐसे ही चलती रहती है लिव्स के लिए। ओके, बाय लाइंग एग, सम एनिमल डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वन डायरेक्टली, यहाँ पर कुछ एनिमल होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म नहीं देते। ओके, दे ले एग्स एंड द यंग वन कम आउट ऑफ द एग, वो एग को जन्म देते हैं, अंडों को जन्म देते हैं, और अंडों से क्या होता है, यंग वन मीन्स बच्चा जो है वो पैदा होता है। ओके, ऑल द बर्ड्स गिव्स बर्थ टू देयर यंग वन वंस बाय लेइंग एग, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो सारे बर्ड्स अपने बच्चों को एग के रूप में यहाँ पर जन्म देते हैं। ओके, रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, टर्टल एक्सेट्रा, यहाँ देखिए स्नेक है और टर्टल्स, एंड इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एक्सेट्रा, और क्या है, इंसेक्ट्स हैं जैसे कि बटरफ्लाई एंड फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा, और यहाँ पर क्या है, फिश है, ठीक है, मछली, मेंढक और भी चीज़ें। ऑल्सो लेइंग एग्स टू गिव बर्थ टू देयर यंग वन, ये भी क्या करती हैं, एग को जन्म देती हैं, फिर उससे यंग वन का जन्म होता है, बेबीज का जन्म होता है उसके बाद उससे। अ बर्ड लेइंग्स एग्स, द एग्स हैच एंड चिक्स कम आउट ऑफ द एग्स, ये देखिए
अंडे से क्या निकला, चूजा जो है वो निकला यहाँ पर। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ये देखिए बटरफ्लाई, उसने एग्स यहाँ पर जन्म दिए, ठीक है एग्स। फिर देखिए कैटरपिलर, उसके बाद वो कैटरपिलर बनता है, फिर ये प्यूपा में यहाँ पर चेंज हो जाता है, प्यूपा फिर उसके बाद क्या बन जाती है, फिर से बटरफ्लाई। ओके, ये उसका लाइफ साइकिल है, ये ऐसे ही चलता रहता है। फिटलिंग यंग वंस, द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वन, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, केयर करते हैं। दे फीड देयर यंग वन, और वो अपने बच्चों को भोजन भी कराते हैं। द बेबी इज बर्न बाय गिविंग बर्थ आर फेड बाय देयर ओवन मदर्स मिल्क, जो बेबीज जन्म लेती हैं उसके बाद जो मदर होती है वो उन्हें मिल्क पिलाती है। ओके, द बर्ड्स कलेक्ट फूड फॉर इट्स बेबीज एंड फीड देम विथ टेक इट्स ब्रेक, उसके बाद वो क्या करती है, जो बर्ड्स होती है वो अपने बेबी के लिए फूड कलेक्ट करके लेके आती है और उन्हें उनकी चोंच में खिलाती है। वंस द बेबीज ग्रो ओल्ड इट कैन फीड इट्स सेल्फ, जब बेबी क्या होता आता है, बड़ा हो जाता है तो वो खुद से अपने केयर करने लगता है, खुद से अपना खाना खाने लगता है। शी ही एंड शी कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ ऑन इट्स ओवन, उसके बाद वह अपनी देख रेख खुद करने लगता है। ओके, एडॉप्शन, ऑल द चिल्ड्रन आर बर्न बाय देयर पेरेंट्स, सारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के द्वारा ही जन्म लिए जाते हैं। दे आर कॉल्ड नेचुरल पेरेंट्स, जो बच्चे जन्म लेते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल पेरेंट्स कहलाते हैं। बट समटाइम्स चिल्ड्रन लॉस देयर पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट आर एनी अदर नेचुरल डिसेस्टर, यहाँ पर देखिए क्या होता है, कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट की वजह से और कुछ नेचुरल रीजंस होते हैं, ठीक है। इन दिस केस सम अदर्स फैमिली अडॉप्ट सच चिल्ड्रन, ऐसे केस में क्या होता है, जब बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं तो कुछ फैमिली जो होती हैं वो ऐसे बच्चों को क्या करती है, अडॉप्ट कर लेती हैं, गोद ले लेती हैं। द पेरेंट्स हु लुक आफ्टर द अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर कॉल्ड फॉस्टर्स पेरेंट्स, जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों को गोद लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनके फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं। द चाइल्ड हु इज अडॉप्टेड बाय द फॉस्टर पेरेंट्स इज कॉल्ड एज द अडॉप्टेड चाइल्ड, जो बच्चा अडॉप्टेड फॉस्टर पेरेंट्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है वो बच्चा क्या कहलाता है, अडॉप्टेड चाइल्ड कहलाता है, ठीक है। सुष्मिता सेन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ फॉस्टर पेरेंट, जो सुष्मिता सेन है वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है फॉस्टर पेरेंट्स की। ओके, शी हैड अडॉप्टेड अ गर्ल इन 2000, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था 2000 में, एंड नेम हर रैनी, जिनका नाम क्या था, रैनी, रैनी को उन्होंने गोद लिया था। अगेन इन 2010 शी अडॉप्टेड अ 3-month-old गर्ल, ये देखिए 2010 में उन्होंने एक और बच्ची को गोद लिया था जो कितनी थी, 3 month की थी वो, ठीक है, जो गर्ल थी, एंड नेम्ड हर अलीशा, जिसका नाम क्या था, अलीशा नाम था जिसका। सुष्मिता सेन विथ रैनी लेफ्ट एंड अलीशा राइट, ये देखिए रैनी है और ये अलीशा है। ओके, यू रीड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।